तो दोस्तों आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है पनीर लेना है अच्छे से चॉप कर लेना है उसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर और वाइट सॉल्ट तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और दो तीन मिनट के लिए आप छोड़ दें मिक्स करके उसके बाद आपको पैन में लेना है थोड़ा सा ऑयल ऑयल ले सकते हैं घी भी ले सकते हैं उसमें आपको क्या करना है इस पनीर को हमें थोड़ी देर के लिए फ़्राई करना है तो शैलो फ्राई करेंगे हल्का सा जब तक पनीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन सा कलर ना आ जाए उतनी देर तक हमें इसे फ्राई करना है इससे क्या है पनीर का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है पनीर सॉफ्ट हो जाता है तो ये वाला स्टेप ज़रूर से करें इससे क्या है जो सब्ज़ी का टेस्ट है जो आपका चिली गार्लिक पनीर आज बनाने जा रहे हैं उसका टेस्ट जो है बहुत ही इन्हांस हो जाता है तो चलिए फटाफट से इसको डन करते हैं चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर आ गया है ये हमारा डन है अब सेम पैन में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल देना है हमें खूब सारा गार्लिक तो गार्लिक की मात्रा यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रखें इससे क्या है टेस्ट बहुत ही गजब का आता है हल्का सा भूनेंगे हम अब इसमें साथ में डाल देना है हमें एक चम्मच फे तेल तिल डालेंगे उसको भी हल्का सा चला लेंगे हम थोड़ा सा भुनना है बहुत जल्दी ये भुन जाता है अब गाय बारी आती है इसमें डालने की चिली फ्लेक्स तो वन टी स्पून डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स एक मैंने हरी मिर्ची ली है स्लिट करके उसको ऐड कर देंगे फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है थोड़ा सा डालेंगे पानी पानी डाल करके हल्का सा मिक्स देना है अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी सॉसेस तो सॉसेस में यहाँ पर मैं सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ वन टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे वन टेबल स्पून डाल देंगे यहाँ पे टमाटो केचप टमाटो सॉस अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर अच्छे से मिला लेना है हल्का हल्का सा बॉयल आ रहा है यहाँ पे इतनी देर हम पकाएंगे थोड़ा सा अब मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर वन टीस्पून और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक स्लरी बनाएंगे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस लरी को हमें ऐड कर देना है अपने इस मिक्सचर में तो बिल्कुल अच्छे से मिला लें इसमें किसी तरह के कोई लम्ब वग़ैरह ना बने अच्छे से मिला लेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से हमारा ये मिलकर तैयार है थोड़ा सा पकाना है अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है इसमें नमक थोड़ी सी डालेंगे रेड चिली पाउडर अच्छे से मिलाएंगे थोड़ी देर चलाते रहेंगे हल्का सा भूनेंगे अब डाल देंगे इसमें पनीर के क्यूब्स जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे हल्का सा मिक्स देना है और थोड़ी देर हम पकाएंगे लगभग दो से तीन मिनट बहुत ही गज़ब की रेसिपी है बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी है ये इसे ज़रूर से बनाइएगा और बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता है आप चाहे तो सुबह की भाग दौड़ में आप टिफ़िन के लिए ये सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं ज़रूर से बताइएगा आपको ये चिली गार्लिक पनीर की रेसिपी कैसी लगी और रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे साथ अपने कमेंट जो हैं वो शेयर कीजिएगा चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ